लेफ्ट की तरफ करो। अब बता तुम्हारे टोटल मॉड्यूल कितने हैं? 10 में 27 है टोटल, 27 मॉड्यूल है ना। तुमने स्विंग कितने कितने की बना रखी है? 10, 9, 8। 10, 9, 8 की ना। ठीक है, अब जो तुम्हारी सबसे बड़ी वाली स्विंग है उसमें कितने मॉड्यूल है? 10 10। ठीक है, ऊपर टेबल में जाओ। हाँ चला गया, चला गया। ठीक है, आप देखो ऊपर लिखा हुआ है एरे टू जंक्शन बॉक्स। ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर यहाँ पे ना, ऊपर जूम छोटा करो थोड़ा। हाँ देखो एरे टू जंक्शन बॉक्स लिखा हुआ है ना ये। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे देखो, देखो एरे के ऊपर लिखा हुआ है इनिशियल कंडक्टर लोकेशन, फिर सेकंड में लिखा हुआ है फाइनल कंडक्टर लोकेशन। तो मतलब इसका क्या हुआ? इनिशियल कंडक्टर लोकेशन मतलब अभी जो तुम्हारा करंट है वो एरे से फाइनल कंडक्टर लोकेशन यानी जंक्शन बॉक्स में जाएगा, मतलब एरे टू जंक्शन बॉक्स। ठीक है, अब देखो एरे टू जंक्शन, रूम छोटा करो, ऊपर जाओ। देखो अरे जूम, देखो टिपिकल लिखा था ना टिपिकल। ये टिपिकल का मतलब क्या होता है? जितने तुम्हारे नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होंगी, ठीक है, तो उसमें तुम्हारी 3 स्ट्रिंग बन रखी है। तुमने 10, 9, 8 की 3 स्ट्रिंग बना रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे टिपिकल 3 हो जाएगा। ठीक है, एरे टू जंक्शन बॉक्स के लिए, क्योंकि ठीक तुम्हारा है। एरे टू जंक्शन बॉक्स 3 स्ट्रिंग से करंट जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पे टिपिकल 3 हो गया। अब जाओ आगे की तरफ जाओ, 12 की वायर लेते थे हम, 12 की वायर से स्टार्ट करते थे है ना, 16 बैच में 10 की वायर थे। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तुम्हारे माइक्रो इन्वर्टर है। यहाँ पे एनपीएस का लगा हुआ है। कौन सा इन्वर्टर लगा है? IQ8 है, IQ8A की A+ 8A है। 8A है। ठीक है, तो ठीक है एनपीएस के उसमें 12 से स्टार्ट करते थे। ठीक है, ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर जूम छोटा करो, ऊपर देखो, ऊपर वाला लिखा 12। हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें क्या होगा तुम्हारा? सबसे पहले तो हमारी एनपीएस क्वेश्चन 12 की AWG, ये हम देखो तुम टू टू जंक्शन बॉक्स, हमारे जो सबसे पहली वायर है वो एनपीएस के लिए 12 की वायर जाएगी। ठीक है, फिर उसके नीचे देखो ये फिर तुम्हारा आता है जंक्शन बॉक्स टू कंबाइनर बॉक्स माइनर। अब तुम्हें यहाँ पे तुम जो 10 की वायर है या 8 की वायर है, ये तुम्हें करंट से चेक करना है। ये तुम कैसे करोगे? देखो हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रिंग है ना, हाँ उसमें कितने मॉड्यूल हैं? 10 मॉड्यूल हैं। ठीक है, अब तुम्हारा जो इन्वर्टर कौन सा है? IQ8A है ना, यही है। हाँ 8A का आउटपुट करंट कितना होता है? 1.45। 1.45। ठीक है, और सबसे बड़ी स्ट्रिंग में कितने मॉड्यूल है? 10 मॉड्यूल है। तो तुम क्या करोगे? 10 × 1.45 करो। हाँ 14.1। 14 पॉइंट कितना आया? 5। 14.5। अब तुम्हारे साथ इन्होंने एक वो 14 कुछ आया था, तो मैं यहाँ से देखूंगा 0 से 30 देखो, के बीच। अब देखो, हाँ देखो यही चेक करना तुम्हें, तुम्हारा करंट कितना आया था? 14 पॉइंट कुछ आया था ना। हाँ तो तुम्हारा 14 का जो करंट है वो तुम्हारा किसके बीच में लाइन कर रहा है? 0 से 30 के बीच में। हाँ अब 0 से 30 के लिए उसमें जाओ, दोबारा वहीं पे जाओ, उसी 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 दिखाओ कैलकुलेशन। आप है 0 से 3। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे 0 से 30 के लिए तुम्हारा जो करंट है, तुम्हारा 0 से 30 के बीच में जा रहा है। ठीक है, हाँ तो 0 से 30 के लिए कितने AWG की वायर है? 10 की। दस की तो तुम वहाँ पे 10 फिल करोगे, वहाँ पे यहाँ पे ये 10 10 10 AWG ऐसा आएगा। ठीक है, यहाँ पे ना, हाँ ये अब क्या है तुम्हारा पहले नंबर वाले में फिक्स रहता है ना, 12 AWG। पहले नंबर में एनफेस के केबल में, एनफेस केस में, एनफेस केस में पहले नंबर पर 12 की वायर जाएगी। ठीक है, हाँ सबसे बड़ी स्ट्रिंग में जो तुम्हारे कितने मॉड्यूल होंगे उसको तुम इन्वर्टर के आउटपुट करंट से मल्टीप्लाई करा दोगे। ठीक है, हाँ तो उस हिसाब से फिर तुम जो जैसे मान लो तुम्हारा करंट जितना भी आया 20 या 12 कुछ भी आया तुम्हारे बड़ी स्ट्रिंग के साथ आउटपुट करंट को मल्टीप्लाई करा के। ठीक है, फिर तुम उस टेबल में जाओगे जो तुमने टेबल अभी दिखाई, फिर वहां से तुम जैसे मान लो 0 से 30 के बीच में आया तुम्हारा अभी। ठीक है, 0 से 30 के लिए 10 की वायर थी, फिर तुमने यहाँ पे 10 की वायर लिखा। ठीक है, अब तुम्हारा जो थर्ड थर्ड लाइन देखो, थर्ड लाइन में क्या है? आई आईक्यू के कम कंबाइनर टू फ्यूज एसी डिस्कनेक्ट। हाँ ठीक है, अब इसके लिए क्या करोगे? अब देखो तुमने जंक्शन बॉक्स से कंबाइनर के लिए तुमने सबसे बड़ी स्ट्रिंग का मॉड्यूल लिया था। ठीक है, पर तुम्हारा क्या होगा? अब जब तुम कंबाइनर में जब तुम्हारी वायर जाएगी, ठीक है, तो कंबाइनर में जो तुम्हारे 27 मॉड्यूल टोटल वो कंबाइन होकर जाएंगे ना वहाँ पे। तो कंबाइनर के अंदर हाँ देखो, यहाँ पे देखो जंक्शन बॉक्स कंबाइन होकर जा रहा है ना पूरा कंबाइनर के अंदर। ठीक हाँ है, अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे तुम्हें वायर साइज चेक करना है। थोड़ा जूम छोटा करो, यहाँ पे हाँ हाँ ऊपर जाओ कैलकुलेशन वाले टेबल में जाओ, ऊपर ऊपर तुम करना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा? देखो यहाँ पे तुम्हारा कंबाइनर से फ्यूज एसी डिस्कनेक्ट में जाएगा। तो कैसे जाएगा? तुम्हारा टोटल मॉड्यूल कितने? 27। हाँ 27। ठीक है, अब तुम्हारा जो जंक्शन बॉक्स है कंबाइनर में गया था खाली एक स्ट्रिंग के लिए हमने कैलकुलेट करा था, बड़ी वाली स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, हाँ पर कंबाइनर से तो हमारा पूरा टोटल कंबाइन होकर जाएगा ना सारा आगे। क्या हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो 27 × होगा? 1.25 करेंगे ना, ना वन पॉइंट नहीं फोर नहीं फाइव 1.45 करो। कितना आया? करता हूँ, 27 × 1.45 39.15। कितना है? 39.15, 39.15। आप देखो किसके बीच में लाई कर रहा हूँ, 39.15। 51 से 60 के बीच, नहीं, 31 से 50 के बीच, 8 की जाएगी वायर। ठीक है, उसकी वायर कितनी है? 8 की। ठीक है, अब तो तुम्हारा टैपिंग हो रहा है, टैपिंग के हाँ लिए हम 6 की वायर देखते हैं। ठीक है, आप देखो तुमने जो फ्यूज इस डिस्कनेक्ट के अंदर तुम्हारा फ्यूज कितने का आ रहा है? तुम्हारा मेरा फ्यूज्ड नहीं है, नॉन फ्यूज्ड है, तुम्हारा इंटरकनेक्शन क्या हो रहा है लोड ब्रेकन भाई? तुमने ऊपर SLD में क्या लिख रखा था? ऊपर AWG। AWG की वायर, हाँ। अब देखो और तुम्हारा क्या है इसमें, तुम्हारा इसमें लोड ब्रेकर इंटरकनेक्शन हो रहा है ना तुम्हारा, ओ इसमें क्या है? अब जाना जा रहा वहाँ पे, तुम्हारा ब्रेकर कितने का आ रहा है? पीवी ब्रेकर कितने का लग रहा है? पी ब्रेकर 1 मिनट लगाता हूँ, 27 × 1.45 × 1.25 48 50 का।
ठीक है। अब वहाँ जाओ, उसमें जाओ जो तुम वो लेके आए थे, वहाँ से टेबल लेके आए थे, रूम करना जरा से रूम रूम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, जो तुम्हारा 50 का ब्रेकर है वो तुम्हारा किसके बीच में लग करेगा, 50 एम्पीयर का ब्रेकर किसके बीच में आएगा तुम्हारा, 8 है। 8 है ना, 8 AWG की वायर में, ठीक है। हाँ अगर तुम्हारा वैसे ही इसमें तुम्हारा यहाँ पे 8 की वायर जाएगी, देखो यहाँ पे जाओ, अच्छा यहाँ पे। यहाँ पे 8 की वायर होता है। अगर तुम्हारा लाइन साइड टैप, तो लाइन साइड टैप के लिए हम क्या करते हैं, तुमने देखा ही है कि हमारा जो एसी डिस्कनेक्ट अंदर फ्यूज जितने का लगेगा हमारा, ठीक है। फिर हम उस फ्यूज को वहाँ पे चेक करेंगे कितने के बीच में लाई कर रहा है वो फ्यूज, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे वायर चेंज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाँ मेरे को समझ में आ गया, ये लाइन साइड टैप में फिक्स रहता है क्या? 6WAWG 6 AWG फिक्स रहता है, बट मान लो अगर तुम्हारा 70 का ब्रेकर आ गया या उससे बड़ा ब्रेकर आ गया, उसने लाइन साइड टैप इंटरकनेक्शन बोला है, ठीक है। तुम क्या करोगे, जो तुम्हें टेबल दे रखी ना, ये वाली जो तुम लेके आए थे वहाँ से, उसमें देख लो, यहाँ मान लो तुम्हारा तुम्हारा 70 का ब्रेकर आया, मान लो तुम क्या करोगे उसके, इसमें किसके बीच में लाई कर पे सकते हो, चार के। ठीक तो तुम 4 के वायर वहाँ पे ये चेंज कर दोगे, 4 का ठीक ये आगे। सिंपल, ये फिक्स रहता है। बट 4 के लिए क्या होगा, 4 के लिए हम 1 इंच का, 1 इंच EMT हो जाएगा, यहाँ पे 1 इंच की वायर कर देंगे हम 4 के लिए, हाँ ठीक है। अब देखो तुम्हारे वायर समझ में आ गया, तुम 12 10 8 से कैसे लेनी है, ये हाँ ये आ गया समझ में। उसके बगल में क्यू केबल, TSW1, इन्हें छेड़ना नहीं है, डिफॉल्ट रहते हैं ये। हम ये वो है कि कितना जा रहा है, ठीक है। और इसमें हम लेते हैं कॉपर की वायर लेते हैं, कॉपर की वायर सिलेक्ट हो रही है यहाँ पे, ठीक हाँ है। और ये जो कंड्यूट साइज है, ये जो कंड्यूट है मिनिमम 0.75 इंचेस, ठीक है। ये हमारा जो वायर ले रखी है हमने 12 10 8 6, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा 6 तक है तो 6 तक तो हमारा इतना चला जाता है 0.75 का, ठीक है। हाँ अगर हमारा 4 का आया तो 4 के लिए हम 1 इंच की वो वायर लगाएंगे यहाँ पे, 1 इंच का कंड्यूट कर देंगे, ठीक है। इसके लिए नहीं कोई टेबल? इसके लिए टेबल नहीं है, अच्छा नंबर ऑफ पैरेलल सर्किट। अब यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, हो रहा है तुम्हारा नंबर ऑफ पैरेलल सर्किट का मतलब, जो तुम्हारा ऊपर देखो एरे टू जंक्शन बॉक्स कितना जा रहा है तुम्हारा, एक सर्किट जा रहा है, ठीक है। वो कैसे जा रहा है, देखो जो तुम्हारी ये क्यू केबल है, हेलो, हाँ हाँ मैं सुन रहा ठीक है ना, थोड़ा जूम बटन करना यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा नंबर ऑफ पैरेलल सर्किट निकालने के लिए, जो हाँ जितना भी हमारे जंक्शन बॉक्स के अंदर जो क्यू केबल जा रही है ना, अब यहाँ पे तो हमें क्यू केबल कैसे दिख रही है कि एक स्ट्रिंग से अलग जा रही है, दूसरी स्ट्रिंग से अलग जा रही है, तीसरी स्ट्रिंग से अलग जा रही है, ठीक है। बट हाँ होगा क्या एक्चुअल में, वहाँ पे हम एक हमारे पे वायर होगी, मोटी वायर होगी, उसके अंदर से हमारी क्यू केबल गुजरेगी, ये सॉरी होगा के क्या सॉरी। एक्चुअल में, जो हमारे हाँ सारी की सारी जो क्यू केबल है ना, हाँ ये हमारी एक मोटी वायर होगी उसके अंदर से जाएगी, तो कितना हाँ सर्किट हुआ, एक सर्किट के अंदर से वायर जा रही है हमारी, हाँ तो इसलिए हमने नंबर ऑफ पैरेलल सर्किट, ये खाली एरे टू जंक्शन बॉक्स के लिए है, एरे टू जंक्शन बॉक्स जो क्यू केबल होगी ना, एक कंडक्टर के अंदर से जाएगी वाली, ठीक है। तो ये तो फिक्स रहता होगा फिर, एक ही जाएगी हमेशा। हाँ नंबर ऑफ पैरेलल सर्किट एरे टू जंक्शन बॉक्स के लिए 1 ही रहेगा, ठीक है। अब आ रहा तुम्हारा देखो सेकंड केस, आता तुम्हारा जंक्शन बॉक्स टू आई क्यू कंबाइनर, उसमें क्या होगा तुम्हारा, जंक्शन बॉक्स के अंदर जाएगी तुम्हारी वायर, हाँ ठीक है। फिर वहां से तुम्हारी जो वायर्स होंगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, मतलब वो उनके लिए सर्किट हमारे अलग अलग हो जाएंगे, मतलब क्या कैसे होगा तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारी 3 स्ट्रिंग बन रही है, ठीक है। हाँ तो जो तुम्हारी जो क्यू केबल आ रही सर्किट के अंदर से, वो जंक्शन बॉक्स के अंदर गई, अब जंक्शन बॉक्स का काम करता है उन वायर्स को डिवाइड करके भेजेगा वो हाँ आगे, तो वो क्या करेगा, तार को बांट देगा, मतलब तुम्हारा जो एक जो एरे वन जो ऊपर ब्रांच वन से जो आ रहा है, तो उसको वो दो भाग में बांट देगा, L1 और L2, लाइन 1 और लाइन 2, ठीक है। तो जो तुम्हारा दूसरी सर्किट से क्यू केबल आ रही है उसको भी दो में बांट देगा, L1 और L2। तो जो तीसरे से आ रहा है उसको भी दो में बांट देगा, L1 और L2। तो कितना होगा तुम्हारा, 3 स्ट्रिंग का 6 हो गया, 3 दूनी 6, 3 को दो दो भाग में बांट रहा हो, है ना, हाँ समझे ना, तुमको समझ आ रहा है हाँ ना, लाल तार काली दो तार। बांटा। हाँ अब मान लो तुम्हारे दो यहाँ पे दो सर्किट, दो तुम्हारी स्ट्रिंग बनती, तो दो के लिए क्या होता, दो को दो दो भाग में बांट देता, 2 दूनी 4, चार ठीक है। अच्छा एक होता तो एक को दो बांटा, एक के लिए दो, 4 होता तो 4 को 2 बांट देता, 8 घटा आठ दो, आठ हाँ मैं समझ गया। उसी हिसाब से तुम्हारा जंक्शन बॉक्स टू कंबाइनर नंबर ऑफ पैरेलल सर्किट कितने हुए तुम्हारे, अरे जंक्शन बॉक्स टू कंबाइनर तुम्हारे 3 आ रहे हैं, ठीक है। हाँ उसने उसको 3 भाग में बांट दिया, L1 L2 L1 L2 L1 L2, ठीक है। हाँ पैरेलल सर्किट तुम्हारे 3 हो गए यहाँ पे। अब देखो उसके मतलब नीचे अब जितनी आई भी क्यू, लाल काली तारे जा रही है उसका आधा कर दो, वो यहाँ पे लिख दो। हाँ वही, ठीक है। अब देखो तुम्हारा फिर आई क्यू कंबाइनर से एसी डिस्कनेक्ट के लिए, अब क्या होगा तुम्हारा, कंबाइनर के अंदर क्या होता है कि कंबाइनर का काम करता है कंबाइन करना, तो वो क्या करेगा, जितने तुम्हारे सारे पीछे से वायर आ रही है ना ऊपर से एरे से जंक्शन बॉक्स होती हुई, वो कंबाइनर के अंदर जाके तुम्हारी सारी वायर इकट्ठी हो जाएंगी वो, तो कंबाइनर से फिर क्या होगा, कंबाइनर से फिर तुम्हारी एक ही वायर जाएगी, उसी के अंदर तुम्हारा L1 L2 और न्यूट्रल, ये तीनों वायर उसी के अंदर से जाएंगी तुम्हारी, हाँ तो वो तुम्हारा एक सर्किट बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो तुम्हारा ऊपर देखो आई क्यू कंबाइनर से एसी डिस्कनेक्ट है, तुम्हारा नंबर ऑफ पैरेलल सर्किट 1 हो गया वहाँ पे, हाँ ये फिक्स रहता होगा, एक ही जाएगा। हाँ ये भी एक ही जाएगा। अब फिर तुम्हारा जो आता है एसी डिस्कनेक्ट से आगे, अब एसी डिस्कनेक्ट से जब तुम्हारा कंबाइनर से एक ही सर्किट के अंदर करंट आ रहा है, ठीक है, तुम्हारा एसी डिस्कनेक्ट से आगे भी एक ही सर्किट के अंदर जाएगा, L1 L2 और न्यूट्रल की वायर एक ही उसके अंदर जाएंगी, हाँ। है ना, तो वो भी एक ही हो गया यहाँ पे। अब आता तुम्हारा नंबर ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें क्या होगा तुम्हारा, देखो एरे टू जंक्शन बॉक्स नंबर ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होगा तुम्हारा,
ये क्या होता है तुम्हारा जो एल, ये जो तुम्हारी तीन स्ट्रिंग जा रही है ना तुम्हारी, इनमें क्या होगा तुम्हारे जितने भी कंडक्टर होंगे ठीक है, इसमें क्या होता है तुम्हारा कि एल्बो, ये जो तुम्हारी वन और टू हाँ तुम्हारी हाँ स्ट्रिंग होगी ना वन और टू, वो तुम्हारी एक के थ्रू जाएगी हाँ ठीक है, और जो तुम्हारा तीसरा वाला होगा अलग से वो तुम्हारा एक के थ्रू जाएगा, मतलब एक और दो कितना हुआ, दो हो गया ना, एक ऊपर वाले के लिए, एक एक इन दोनों का कंबाइन होकर गया ऊपर नीचे वाले का, हाँ एक हाँ, और एक नीचे वाले के लिए अलग से गया ठीक हाँ है, तो दो हो गए ना ये, दो कंडक्टर हाँ हाँ, तो करंट कैरिंग कंडक्टर दो हो गए ऊपर। अब तो जंक्शन बॉक्स आगे कितने गए तुम्हारे, कितनी वायर गई जंक्शन बॉक्स आगे, है 6 बार गए ना जंक्शन बॉक्स से निकल के, करंट कैरिंग कंडक्टर 6 हो गए तुम्हारे यहाँ से यार जंक्शन बॉक्स आगे। ये तीन ही थे, एक दो तीन। नहीं तुम समझ नहीं रहे, वो देख रहे हो तुम ऊपर, वो दो, वो जो वन वाला है ना, वन वाला यहाँ हाँ पे वन टैग लगा है, वो एक हाँ ही जंक्शन बॉक्स के अंदर जा रहा है ना तुम्हारा, हाँ हाँ है ना, समझ रहे हो ना, हाँ मैं समझ रहा हूँ। वो एक ही जंक्शन बॉक्स के अंदर जा रहा हो, तो वो तुम्हारा एक हो गया। अब जो नीचे तीसरी स्ट्रिंग है वो तुम्हारी अलग से जा रही है उसके अंदर, तो मतलब दो दो जो ऊपर तुम्हारी दो जा रही है वो एक वायर के अंदर से जा रही है, तो एक ऊपर वाला हो गया और एक नीचे जा रही है, तो एक नीचे वाला गया, मतलब दो हो गए वो। हाँ दो अगर तीन तीन जंक्शन बॉक्स रहते तो तीन होता। हाँ तो तीन रहते हैं, चेंज होते हैं उस हिसाब से ठीक है, अच्छा, ठीक। वह जंक्शन तो बॉक्स तुम्हारे टू पास कंबाइनर बॉक्स, 6 हो जाए, क्योंकि वायर पड़ गई यहाँ पे देखो, एल वन एल टू एल वन एल टू एल वन एल टू 6 हो गई है, हाँ अच्छा हो सिंपल सी बात है, जितना तुम्हारा यहाँ पे 3 रहेगा 3 का डबल 6 हो जाएगा यहाँ पे ठीक गई। हाँ, मैं समझ गया। हाँ यहाँ पे तीन का डबल छः, ठीक है। अब ठीक तुम्हारा ये आता है यहाँ पे, अगला आता है तुम्हारा कंबाइनर से एसी डिस्कनेक्ट के लिए, हाँ तो कंबाइनर से एसी डिस्कनेक्ट के लिए क्या होगा तुम्हारा, नीचे आना कंबाइनर वाले पे। अब यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, देखो कंबाइनर के अंदर गई वायर तुम्हारी सारी कंबाइन इकट्ठी होगी वायर यहाँ पे, तुम्हारा एक एक ही तुमने बॉडी वायर थी उसके अंदर से तुमने एल वन एल टू और न्यूट्रल वायर, इन तीनों को तुमने उसके अंदर से निकाल दिया। अब ऊपर जाना जरा यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जूम करो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा, तीन वायर हो गई हो ठीक है, कैसे गई तीन वायर, एल वन एल टू और न्यूट्रल हो गई, तीन न्यूट्रल वायर गई ठीक है। अब एसी डिस्कनेक्ट से एमएसपी के लिए भी सिमिलर, पर ये लोग क्या करते हैं, जैसे ये लोग लाइन साइड टैप होता है ना इनके, उसमें हाँ इनका पता नहीं क्या सीन है, ये लोग ना न्यूट्रल को ग्राउंड में बॉन्ड करा देते हैं लाइन साइड टैप में, एसी डिस्कनेक्ट के अंदर ही, अच्छा खत्म तो कर देते हैं ये यहाँ क्या पे, होता है ये फाइनल में, खत्म हाँ कर देते हैं तार यहाँ पे। ग्राउंडिंग, हाँ ये ग्राउंडिंग के बाद भेजते ही, या भेजते ही नहीं आगे पता नहीं क्यों, बॉन्ड करा देते हैं उसको, अच्छा, एसी डिस्कनेक्ट पे। अच्छा हाँ ये खाली लाइन साइड टैप के केस में करते हैं, बैक फीडिंग के केस में नहीं करते, बैक फीडिंग के अच्छा केस में तीन हो गए यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर ठीक है। अब देखो तुम्हारा आता है, ये समझ में आया ना करंट कैरिंग कंडक्टर का, हाँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ। अब आता तुम्हारा कंड्यूट फिल परसेंट, ये कैसे निकालते हैं ठीक है, ये देखो दो, ये दो क्यों ही फ्यूज एसी डिस्कनेक्ट से एमएसपी, दो न्यूट्रल खत्म हो गई थी क्या एसी डिस्कनेक्ट के बाद? ये गलत कर रखा है, यहाँ पे तुमने बैक फीडिंग करवा रखी ऊपर, यहाँ पे तीन वायर आनी थी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ना, यहाँ पे आखिरी में बैक फीडिंग में तीन आएगा, और लाइन अब साइड यहाँ में। पे तुम्हारा लाइन साइड में दो, नीचे से तुम्हारी जो ग्राउंडिंग की वायर है वो तुम्हारी आगे नहीं जाएगी, खाली तुमने अच्छा, वही दो वायर जाएंगे तुम्हारी आगे, ठीक, मैं समझ गया। हाँ वही चीज़ है ठीक है। अब ये कंड्यूट फिल परसेंट, हाँ इसको तुम कैसे निकालोगे, देखो जो तुम्हारा ऊपर देखा है ऊपर, यहाँ पे तुम्हारे कितने की वायर है, 10 की, नहीं थोड़ा जूम थोड़ा करना, देखो तुमने 10 AWG की वायर ले रखी थी ठीक है, तो हाँ यहाँ पे ना जंक्शन वॉश कंबाइनर, हाँ देखो, हाँ जंक्शन बॉक्स टू कंबाइनर, देखो तुम्हारा एरे टू जंक्शन बॉक्स के लिए करंट कंड्यूट फिल परसेंट होगा वो NA रहेगा, नॉट एप्लीकेबल, उसे हम भरते नहीं है, अब फिर हम भरते किसको, हम जंक्शन बॉक्स टू कंबाइनर के लिए। अब वो कैसे देखोगे तुम, ये उन्होंने तुम्हें पीडीएफ की होगी, पीडीएफ क्या कर, इसमें क्या है तुम्हारा, ऊपर जाना जरा टेबल में, देखो जंक्शन बॉक्स टू कंबाइनर के लिए तुम्हारा कितना जा रहा है, बारह तो कितने की वायर है, 10 की वायर है ठीक हाँ 10 की है। है, और तुम्हारा करंट कैरिंग कंडक्टर कितना है, 6। हाँ अब देखो इसमें क्या है तुम्हारा, अगर तुम्हारा ऑड और इवन नंबर आएगा तो तुम उसमें कलर वाले कलर वाले टेबल से टेबल से देखोगे, देखोगे, अगर इवन ऑड नंबर नंबर क्या आया हुआ? ना, इवन नंबर 2 4 6 8 ऐसे, हाँ और ऑड नंबर आया तो दूसरे वाले से, अभी तुम्हारा 10 के लिए देखो जंक्शन बॉक्स टू कंबाइनर कितने, 10 की वायर के लिए तुम्हारे करंट कैरिंग कंडक्टर कितने, 6 ठीक है। अब वो जाओ जो तुम टेबल लेके आए कलर वाला, देखो इवन नंबर है ना, 6 6 कौन सा नंबर है, इवन नंबर। अब देखो यहाँ पे जूम थोड़ा करना थोड़ा, देखो वायर वायर साइज देखो, 10 की वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर 6, 26.72 कितना आ रहा है, 26.72 भरो वहाँ पे, है वहाँ पे, वैल्यू से 26.72 ठीक है। अब है। देखो देखो नीचे आओ, नीचे आओ, अब आता तुम्हारा जंक्शन बॉक्स से, सॉरी ऊपर कंबाइनर से आता तुम्हारा इसके लिए एसी डिस्कनेक्ट के लिए, कंबाइनर से एसी डिस्कनेक्ट, तुमने वायर कितने की ले रखी, 8 की, 8 की वायर है तुम्हारी यहाँ पे, करंट तीन है यहाँ पे। कैरिंग 3 है। अब जाओ अब तुम्हारा ये आ गया ऑड नंबर आ गया, अब तुम देखोगे दूसरे वाले से, नहीं ये जो ये कलर वाला है ना, कलर वाला खाली इवन नंबर के लिए है, तुम्हारा ऑड नंबर आएगा ना 1 3 5 7, तो तुम इससे देखोगे ठीक है। अच्छा अब देखो तुम्हारा वहाँ पे वायर कितने की थी, 8 की वायर थी ठीक है, और करंट कैरिंग कंडक्टर कितने थे, 3, छब्बीस बस ये पॉइंट कंड्यूट तिहत्तर साइज, हाँ कंड्यूट साइज कितना था, 26.73 ये भरो वहाँ पे अच्छा ना, जल्दबाजी में क्या होता है कि हम जो कंड्यूट साइज होता है ना हमारा, हम 1 इंच के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 इंच मत ले लेना जल्दी से, 0.75 ले लेना वहाँ पे ठीक है,
हाँ वही मैं अभी सोच रहा था, यही यहाँ से देख हाँ के, पंच, यहाँ यहाँ से देख के। जी हाँ वही चीज़ हो, ठीक है 26.73 आ गया। अब फिर से नीचे देखो, फिर तुम्हारा आता है एसी डिस्कनेक्ट टू एमएसपी, इतना तुम्हारा 8वीं वायर है, करंट टाइम कंट्रोल कितना है 3, तो सेम हो जाएगा 26.73 ऊपर वाला, समझ रहे हो ना। हाँ, ये गलत है ना, 27। हाँ ये गलत है। ओसीपी। अब आता तुम्हारा ओसीपीडी, ओसीपीडी में क्या होगा तुम्हारा एरे टू जंक्शन बॉक्स, उसमें तुम्हारा एनए रहेगा ठीक है, फिर आएगा तुम्हारा ये जंक्शन बॉक्स टू कंबाइनर। हाँ, अब तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे, ये ओसीपीडी कुछ नहीं होता, ये वो ओसीपीडी ब्रेकर तुम्हारा रेटिंग ना। कंबाइनर, हाँ कंबाइनर के अंदर जाओ हाँ ये तो ये समझ समझ गया, गए। जो जो तुमने सबसे बड़ी स्ट्रिंग के लिए निकाला था, वो 10 का 20 आ गया यहाँ पे, और नहीं सारे। नहीं 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 गलत बोल, नहीं 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 वो नहीं है, कंबाइनर में जाओ, जूम करो कंबाइनर के अंदर, हाँ यहाँ पे 20 के ब्रेकर ये डिफॉल्ट हमने भरे रहते हैं पहले से, तो ये कुछ नहीं है यहाँ पे, ये तुम्हारा जो ऊपर जो ओसीपीडी भरोगे ना तुम जंक्शन शो जंक्शन कंबाइनर बॉक्स, कंबाइनर। तो उसमें तुम्हें खाली ये 20 का ब्रेकर ऐड करना है बस, ये जंक्शन कंबाइनर के अंदर 20 का ब्रेकर लिखा हुआ है, तो ये 20 का ब्रेकर उठा के वहाँ रख देना ऊपर ठीक ठीक है। अब ऊपर जाओ, है। अब आता तुम्हारा यहाँ पे ये नीचे जो आईक्यू ये कंबाइनर। आई क्यू कंबाइनर से एसी डिस्कनेक्ट के अंदर ठीक है। यहाँ पे तुमने ये क्या है, तुमने तुमने लाइन चार्ट टैप वाला केस लिखा हुआ, गलत लिखा था तुमने, थॉट तो आएगा। छोड़ो हमारा, नहीं सुनो देखो क्या होगा, यहाँ पे लाइन चार्ट टैप के अंदर हम एसी डिस्कनेक्ट के अंदर फ्यूज लगाते हैं, और लोड ब्रेकर के अंदर हम एसी डिस्कनेक्ट के अंदर कोई फ्यूज लगाते हैं, नहीं लगाते ना, एमएसपी के अंदर ब्रेकर लगता है हमारा, तो इस केस में तुम्हारा अभी क्या हो रहा है, तुम्हारा इंटरग्रेशन बैक फिट ब्रेकर करवा रहे हो ना तुम इसमें, तो यहाँ पे तुम्हारा एनए आ जाएगा, क्योंकि तुम एसी डिस्कनेक्ट के अंदर कोई फ्यूज लगा ही नहीं रहे हो, जंक्शन बॉक्स टू एसी डिस्कनेक्ट के लिए तुम कोई फ्यूज लगा ही नहीं रहे हो, वहाँ पे कोई ब्रेकर ही नहीं अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे, ये तुम्हारा नॉट रहती एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पे। होगी फ्यूज, नॉन फ्यूज के लिए एने। अच्छा, हाँ फ्यूज के लिए यहाँ पे ब्रेकर आ जाएगा, फ्यूज कितने का? जितने का तुम्हारा ब्रेकर निकलेगा, फ्यूज लगाओ तुम जितने का ब्रेकर एसी निकलेगा, डिस्कनेक्ट की रेटिंग लिखनी पड़ती है यहाँ पे, नहीं डिस्कनेक्ट एसी पीवी। डिस्कनेक्ट के अंदर फ्यूज लगाओगे ना वो तुम यहाँ पे लिखोगे ठीक है। अच्छा, वो पीवी ब्रेकर ना। हाँ नहीं जो जो हम एसी डिस्कनेक्ट के अंदर फ्यूज लगाते हैं ना, कितने का आ रहा है हमारा फ्यूज निकालते हम हाँ, लाइन सेटअप तीस के लिए, साठ, वो तो 30-60 रहता है। अरे नहीं हम एसी डिस्कनेक्ट के अंदर फ्यूज निकालते हैं 1.25 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इनटू 1.21 जितना आउटपुट करंट है उसका, हाँ, वही तो कह रहा हूँ, आउटपुट करंट जो भी मॉड्यूल। हाँ, समझ गया, पीवी ब्रेकर यार। हाँ वही चीज। अब मान लो तुम्हारा यहाँ पे अगर तुम्हारा यहाँ पे वो होता लोड ब्रेकर होता, तो लोड ब्रेकर के हम एमएसपी के अंदर लगाएंगे ना ब्रेकर को, तो एसी डिस्कनेक्ट के अंदर तो लगाएंगे नहीं हम, तो उस केस में अब देखो नीचे वाली लाइन देखो एसी डिस्कनेक्ट टू एमएसपी सबसे लास्ट वाली, इसमें क्या होगा तुम्हारा, अब तुम्हारे बैक फीडिंग के केस में तुम्हारा जो ब्रेकर होगा एमएसपी के अंदर लगेगा ना, हाँ तो यहाँ पे तुम ब्रेकर ऐड कर दोगे सबसे लास्ट वाले में जो ओसीबीडी का सबसे लास्ट वाला है जो, अच्छा, ये वही जितना आएगा। अच्छा, हाँ कितने का ब्रेकर आ रहा तुम्हारा, 50 का आ रहा, 50 एम्पीयर का ब्रेकर लिख दो यहाँ पे, ये सीन होता है। हाँ एम्पीयर लगाओ उसके आगे, ए लगाओ उसके आगे, ये वाला आता है ईजीसी सेक्शन वाला आता है तुम्हारा, इसमें देखो इसमें क्या है सब, इसमें तुम्हें कुछ नहीं छेड़ना, 6 8 8 ये जो वायर लगी हुई है ना तुम्हें नहीं छेड़नी है, तुम्हें क्या करना है अगर तुम्हारा लोड ब्रेकर हो रहा है ठीक है, तो जो तुम्हारा सबसे नीचे वाला है ना सेक्शन 6 जहाँ पे 6AWG लिखी है, यहाँ पे तुम्हें 8AWG कर देनी है, अगर अगर तुम्हारा लाइन लाइन चार्ट टाइप हो रहा है तो 6 कर देना, बस इतना चेंज करना है यहाँ पे बस ठीक है। बस ठीक है। अभी बेयर कॉपर इन्हें छेड़ना नहीं है। अब आता तुम्हारा टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर, तुम सोलर रेफरेंस मैप से निकाल के यहाँ पे टेम्परेचर भर दोगे, बगल में तो 59 डिग्री जो लिखा हुआ है ये सब ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, ये मान लो तुम्हारे तुम्हें टेम्परेचर निकाल के भर देना है ठीक है, फिलहाल के लिए ये टेम्परेचर लेके चलो ठीक है। अब क्या करना है, तुम्हें पीडीएफ दी होगी, एक और पीडीएफ खोलो, ये वाली ना। 90 डिग्री के लिए ठीक है, 90 डिग्री पे कैलकुलेशन चेक के चलते हैं हम, सबसे पहले 60 डिग्री है, फिर 75 है, फिर 90 है ना, तो हम 90 डिग्री वाला लेकर चलेंगे। अब देखो तुम्हारा ये 59 डिग्री कहाँ, फिफ्टी में तुम्हें सेल्सियस में ये तुम्हारा टेम्परेचर रेटिंग है, अच्छा, ठीक ठीक तुम्हारा ठीक ठीक 59 डिग्री तुम्हारे यहाँ पे है। अब आओ तुम इधर की तरफ राइट साइड की तरफ, टेम्परेचर रेटिंग कंडक्टर 90 डिग्री में कितना आया, 0.71। 0.71, अब तुम वहाँ पे 0.71 की वैल्यू भरोगे वहाँ पे यहाँ पे ना, है, हेलो यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे। हाँ ये टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर ये 0.71 ठीक है। अब तुम्हारा नीचे दूसरा कितना है, 37 डिग्री है ना, अब हाँ, तुम्हारा 37 डिग्री देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये 37 डिग्री रहा। 90 की रेटिंग, 90 में हमें एक चीज ध्यान रखना, 75 और 60 नहीं लेना, हमें 90 डिग्री की रेटिंग लेके चलनी है ठीक है, ठीक है। तो 36 37 के लिए कितना आ गया तुम्हारा, 0.91 वो भरोगे तुम वहाँ पे ठीक भर रखा है, है तीनों में। ये तुमने भर दिया यहाँ पे ठीक है। हाँ। अब आता तुम्हारा ये वाला कंड्यूट फिल फैक्टर, ये कैसे निकालोगे तुम, इसके लिए क्या है हमारे पे देखो PV4A में जाओ, यहाँ पे देखो नीचे की तरफ जूम करो सबसे लास्ट में नीचे की तरफ, ये देखो 0.80 ये वैल्यू लिखी हुई है ना, 0.80 नंबर ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर तुम्हारा 4 और 6 इसके बीच में तुम्हारा नंबर ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो जो तुम्हारा कंड्यूट फिल फैक्टर होगा 0.80 होगा ठीक है, अगर तुम्हारा 7 से 9 है तो तुम्हारा 0.70 होगा, 10 से 20 है तुम्हारा 0.50 होगा। अब तुम्हारा जो स्ट्रिंग कितनी बन रही है तुम्हारी, तुम्हारे
कल नंबर ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर कितने, जाओ जरा एसएलडी वाले पेज में। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर देखो अपने यहाँ पे कितने तुम्हारे। हम इसमें ना जो एरे टू जंक्शन बॉक्स लेके नहीं चलते, हम जंक्शन बॉक्स को कंबाइन से गिनते हैं। नंबर ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर कितने तुम्हारे देखो यहाँ पे है ना, तो 6 के लिए वैल्यू कितनी है, 6 के लिए 80.80। तो 0.80 पूरा मत लिखना, खाली 0.8 लिखना वहाँ पे, देखो लिखा 0.80। हाँ 0.8 लिख, ठीक है। अगर तुम्हारा, चार या चार से नीचे होगा तुम्हारा अगर करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसके लिए तुम्हारी वैल्यू आती है 1। इसमें लिखी नहीं है, पर अगर तुम्हारा चार या चार से नीचे होगा ना तुम्हारा नंबर ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो 1 वैल्यू लिखना तुम वहाँ पे। अब जाओ इलेक्ट्रिकल पेज में जाओ। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा ये कंबाइनर 2 एसी डिस्कनेक्ट के लिए करंट कैरिंग कंडक्टर कितने, 3 देखो यहाँ पे। हाँ 3 है ना, तो 3 पे वैल्यू आएगी 1 हो जाएगी वो। ये समझ गया मैं, ठीक है। अब आता तुम्हारा कंटिन्यूस करंट, आता है तुम्हारा कंटिन्यूस करंट कैसे निकालोगे तुम, समझ में आ गया ना ये? हाँ ये आ गया यहाँ तक। अब तुम कंटिन्यूस करंट कैसे निकालोगे, जो तुम्हारी सबसे बड़ी वाली स्ट्रिंग है उसमें तुम उसका इन्वर्टर पावर कितना दस इंटू 1.45 करो, अच्छा वो 14.5 वो वैल्यू तुम यहाँ पे हो गया। अच्छा ये आता सबसे पहले तुमने एरे टू जंक्शन बॉक्स के लिए भरा, फिर तुम्हारा जंक्शन बॉक्स टू एरे सॉरी कंबाइनर के लिए तुम्हारा सबसे बड़ी स्ट्रिंग का करंट गिनेंगे हम, तो वहाँ पे तुम्हारा कितना होगा 14.5, ठीक है। अब आता है तुम्हारा मेन कंबाइनर से, अब तुम्हारा कंबाइनर से सारा करंट कंबाइन होकर जाएगा, तुम्हारे टोटल मॉड्यूल कितने थे, 27। हाँ 27 इंटू 1.45 करो, 49 कुछ आ रहा था, करना जरा कैलकुलेट, 39। हाँ ठीक है 39.15, ठीक ठीक है। नीचे भी तुम्हारा वही हो जाएगा सेम एसी डिस्कनेक्ट एमएसपी के लिए, ठीक है। ये खाली तुमने अभी क्या निकाला, तुमने कंटिन्यूस करंट निकाला, मतलब कि तुम्हारे उसके अंदर से कितने करंट फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। अब तुम मैक्स करंट कैसे निकालोगे, अभी तुम इसमें तुम सेफ्टी फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं करा रहे थे कंटिन्यूस करंट में, अब तुम 14.5 है इसके साथ 1.25 की मल्टीप्लाई करा दो, अच्छा उसके साथ, अच्छा समझ रहा हूं मैं, बस सेफ्टी फैक्टर। तो कंटिन्यूस करंट होता है वो हम विदाउट सेफ्टी फैक्टर लेके चलते हैं, और मैक्स करंट होता है उसमें सेफ्टी फैक्टर ऐड कर देते हैं 1.25। अच्छा नहीं करना मतलब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, हां मल्टीप्लाई तो किया मैंने, हाँ 14.5 मल्टीप्लाई 1.25, हाँ 18.5 आ गया। हाँ अब नीचे भी सारे कैलकुलेट कर दो उसी हिसाब से 1.25 मल्टीप्लाई करा के सबके साथ, समझ गया मैं, ठीक है। अब ये 39 ठीक ठीक है। बेस एम्पिसिटी, बेस एम्पिसिटी क्या होता है कि हमारा जो हमारे जो रूफ टॉप के ऊपर जो वो जा रही है ना कंड्यूट जा रही है हमारी, हाँ उसमें कितना करंट होगा तुम्हारा, ये हम जो रेटिंग लेते हैं ना बेस एम्पिसिटी, ये हम 90 डिग्री लेते हैं। बेस एम्पिसिटी हमारा हो गया मतलब कि जो हमारे छत के ऊपर जो वायर है रूफ टॉप टेम्परेचर में कितना वायर जो हमारा है वो करंट को सस्टेन कर सकता है, मतलब कितना करंट झेल सकता है उसमें। तो अब ये कैसे निकालेंगे हम, अब इसको निकालने के लिए एरे टू जंक्शन बॉक्स के लिए तो एन ए रहेगा ऊपर। अब आता तुम्हारा नीचे जंक्शन बॉक्स टू कंबाइनर, उसमें तुम्हारी कितने की वायर है, इधर आओ आगे की तरफ, इधर की तरफ आओ, यहाँ 10 की वायर है। अब देखो इसमें ज़ूम करो, तुम स्निपकार्ट के लिए गया, उसमें ज़ूम करना एक बार। देखो देखो अब जो इसमें हम कौन सी वायर लेके चलते हैं, कॉपर की वायर लेके चलते हैं उसमें, ठीक है हमारी कॉपर की वायर यूज हो रही है। अब देखो तुम्हारा जो इसमें इलेक्ट्रिकल में जाओ एक बार ऊपर, अब जाओ देखो यहाँ पे तुम्हारी जंक्शन बॉक्स को कंबाइनर के लिए कितने AWG की वायर जा रही थी, 10 की थी ना, अब जाओ उसमें जाओ तुम स्निपकार्ट के लिए आए थे। अब इसमें देखो 10 कहाँ पे है, यहाँ पे है 10 है ना, अब 90 डिग्री में लेके चलना है, ठीक है। हाँ ये रहा ऊपर 10 के लिए 90 डिग्री में कितने का वो आ रहा है, 40 आ रहा, 40 तो ये 40 वैल्यू भरोगे तुम वहाँ पे, 8 के लिए 50, हाँ 50 भर दो वहाँ पे, 55 सॉरी 8 के लिए कितने, 55। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो फिर एसी डिस्कनेक्ट एमएसपी कितने की वायर है, 6 की नहीं 8 की है, 8 की तो 55 हो जाएगा वो भी, ओके। हाँ बस ये चीज़ है। अब आता तुम्हारा ये डीरेटेड एम्पेसिटी निकालना, डीरेटेड एम्पेसिटी कैसे निकालोगे तुम, इसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख लो इसके लिए, फॉर्मूला तुम्हारा ये तुम्हारा इसका फॉर्मूला है बेस एम्पेसिटी मल्टीप्लाई बाय कंड्यूट फिल फैक्टर मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर। जाओ ऊपर जाओ डायरेक्ट एम्पेसिटी में जाओ, हां यहां पे देखो यहां पे तुम्हारा बेस एम्पेसिटी कितने की है, 40 की, और कंड्यूट फिल फैक्टर की लाइन में देखो कितने का आ गए, 0.8, और फिर वो कितना टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर उसी लाइन में 0.91, इन तीनों को मल्टीप्लाई करा दो
40 × 40 29.12 ठीक है, लिखो वहाँ पे है यहाँ पे पहले से। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, जो तुम्हारी डिलेटेड एम्पेसिटी होती है ना, इसकी जो वैल्यू होगी ना तुम्हारी, वो हमेशा तुम्हारी बेस एम्पेसिटी से कम आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब नीचे आ जाओ, नीचे वाली के लिए बेस एम्पेसिटी कितनी है 55, और तुम्हारा कंड्यूटिव फैक्टर कितना है 1, टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर कितना है 0.91, मल्टीप्लाई करा के वैल्यू लिख दो वहाँ पे। ये समझ गया मैं, पर ये तो ज्यादा आ रहा है इससे, तो नीचे वाला गलत है ना, ये नीचे वाला 6 के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा था ना। अच्छा, तुम कैलकुलेशन करके चेंज करोगे ना उसे? अच्छा, 55 × 91 करता हूं, सेम ही तो आएगा जो ऊपर आया था। हां, 50.05। हां हां, नहीं करना तुम्हें इसमें, अगर 75 होगा तुम्हें खाली यहां पे 75 वैल्यू भरनी है और कुछ नहीं चेंज करना है यहां पे। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी तुम्हारी लेंथ आती है, जो लेंथ में क्या करना है तुम्हारे, जो PV2 पे जाओ। सबसे पहले तुम्हारी जो लेंथ आएगी वो आएगी तुम्हारी एरे टू जंक्शन बॉक्स के लिए, एरे टू जंक्शन बॉक्स के लिए। अब एरे तुम्हारा क्या है, जो तुम्हारी स्ट्रिंग बनी हुई है A1 A2 A3, ये तुम्हारी स्ट्रिंग बनी हुई है। ठीक है, अब तुम डबल क्लिक करो उसके अंदर, किस पे, मॉडल स्पेस में जाओ डबल क्लिक करके। हां चला गया। अब PL एंटर करो, PL PL एंटर। हां, अभी जो जंक्शन बॉक्स है ना उसके सेंटर पर, सेंटर में क्लिक करो। हां, यहीं पे क्लिक करो, कर दिया। अब यहां A1 A1 के मिड पॉइंट पर क्लिक करना। ये F8 अरे नहीं, F8 ऑफ कर दो, F8 ऑफ करो। हां, इसके सेंटर सेंटर में जो मिड पॉइंट आएगा, मिड अभी मिड पॉइंट आया नहीं इसका, ये। हां क्लिक करो। फिर A2 A3 A4 A5 A6 A7 सब में लेके जाओ। F8 दबा दो। A3 कहां है तुम्हारा? A3 वो आ गया है। F8 दबा दो। हां F8 दबा दो, F8 दबा दो। अच्छा ठीक है। हां A4 A5 क्लिक मारना है A4 पे। हां क्लिक करो, क्लिक करो। फिर A5 A6 A7 A8 9 10 ठीक है, बस क्लिक कर दो, एंटर दबा दो। हां हां, अब इस लाइन को सेलेक्ट करो, इस लाइन पर क्लिक करो जो तुमने पॉली लाइन बनाया, क्लिक करो कंट्रोल, वो दबाओ कंट्रोल 1 दबाओ। अब इसकी ना लेंथ आ रही होगी नीचे, लेंथ देखना कहीं पे कितनी लेंथ है, नीचे करना स्क्रॉल डाउन करो, ये आ रही होगी लेंथ 1 फीट 5 इंच। कितना आ रहा है? 1 फीट 5 इंच। 1 फीट 5 इंच। अब इसे ना उसमें कन्वर्ट करो, 54 × 12 54 × 12 और प्लस 5 प्लस 5 अब इसे डिवाइड बाय 12 करो, कितना आया? 54 फीट 4 इंच। ठीक है, 54 फीट, इसे तुम 54 फीट मानो। ठीक है, अब तो ये करोगे, ये यहां पे भी तो इतना ही आ रहा था। कहाँ पे? नहीं नहीं, वो 54 फिट ही ले, तुम वो करोगे। ठीक है सर, क्या 54 फिट, 54 जो तुमने कैलकुलेट करने के बाद ली ना वैल्यू कन्वर्ट करने के बाद, वो वैल्यू तुम वो करोगे, मान के चलोगे। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, ये तुमने अभी वैल्यू एक एक उसके लिए निकाला है, एक एरे के लिए। अब तुम्हारा इसी के साथ तुम्हारा दूसरा भी कनेक्टेड है B1, तो तुम फिर से तुम PL एंटर करो, PL एंटर। अब फिर जंक्शन बॉक्स के सेंटर में क्लिक करो, जंक्शन बॉक्स के सेंटर में यहीं पे। हाँ, अब फिर B1 B2 B3 ऐसे जैसे तुमने ऊपर करा था A1 के लिए वैसे करो, सेंटर टू सेंटर लेके चलना। ठीक है, B5 के बाद B6 आ रहा है यहाँ पे, ऐसे B5 में B6 में जाएगा। हाँ, B7 B8 B9 ठीक है इधर। अच्छा, वो C1। हाँ हाँ ठीक है, इसकी लेंथ ना, इसकी लेंथ ना पो कंट्रोल वन यार, 40 फीट 5 इंच इसको कन्वर्ट करो, 40 × 12 प्लस 5 हाँ, अब डिवाइड बाय 12 12 12 40.41। ठीक है, अब तुम्हारी जो तुमने पहले जो तुमने स्ट्रिंग निकाली थी और ये वाली जो तुमने स्ट्रिंग निकाली है, इसमें सबसे बड़ी वाली लेंथ थी है, ये वाली है जो तुमने पहले निकाली थी, वो वाली थी ना सबसे बड़ी वाली लेंथ। हाँ, 50 फीट कुछ थी, 54 फीट थी वो। हाँ, तो तुम इसमें तुम बड़ी वाली लेंथ को लेके चलोगे ऊपर। अच्छा, यहाँ पे? हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पीछे पेज में, यहाँ पे तुम सबसे बड़ी लेंथ को भरोगे एरे टू जंक्शन बॉक्स के लिए, यहाँ पे ना। ना आया तुम्हारा? 54 फीट ठीक है, भर दो यहाँ पे। अब आता तुम एरे टू, नहीं सॉरी, जंक्शन बॉक्स टू कंबाइनर के लिए निकालोगे तुम लेंथ, तो जाओ PV2 पे। अब तुमने जो ये जंक्शन बॉक्स टू कंबाइनर जो तुमने वायर भेजी होगी ना, इस पे क्लिक करो, किस पे? अच्छा, ये वाली पे। हाँ क्लिक करो, क्लिक करो, कर दिया। 51 फिट 9 इंच कितना? 51 फिट 9 इंच
अब ये बताओ तुम्हारा जो हाउस है ये टू स्टोरी है सिंगल स्टोरी है? ये शायद सिंगल है। पक्का सिंगल स्टोरी है? क्या होता है तुम्हारा जो तुम जंक्शन बॉक्स टू कंबाइनर के लिए जो तुम लेंथ लोगे ना, लेंथ कितनी आई तुम्हारी? 54। नहीं नहीं नापो तो सही, कितना आया कंट्रोल वन करके देखो। 51। 51.9 इंच। इसे कन्वर्ट करो वैसे ही। अब तुम्हारा अगर तुम्हारा घर है, तुम्हारा सिंगल स्टोरी घर है तुम्हारा, तो तुम इसमें 10 फीट ऐड करोगे। अगर तुम्हारा टू स्टोरी घर है तो तुम इसमें 20 फीट ऐड करोगे, ठीक है? अच्छा, ये सीन है। और ये एसी डिस्कनेक्ट और कंबाइनर, ये तुम्हारे 5-5 फीट इतने रहेंगे तुम्हारे, इनको तुम छेड़ोगे नहीं नीचे। अच्छा जी, अच्छा इन्हें छेड़ना नहीं है, ठीक है ठीक है। और जो हम वोल्टेज ड्रॉप और जो वो कर वो है ना, जो क्या नाम है उसका, जो ये जो तुम्हारा एक एक सेक्शन बचता है लास्ट में वोल्टेज ड्रॉप वाला। अच्छा, तो इसलिए तुम्हें पहले वीआरएच कैलकुलेट करना होगा। वीआरएच तुम्हें पीवी 4 में जाके कैलकुलेट करना होगा। पीवी 4 में जाओ आप। एक मिनट, हां क्या अब ये इन वालों के लिए ना? हां, वोल्टेज ड्रॉप की तुम्हें वीआरएच पीवी 4 से कैलकुलेट करके वैल्यू भरनी होगी। अब देखो यहां पे आ गया तुम्हारा पीवी 4, इसमें आता तुम्हारा वीआरएच निकालना। सबसे पहले आता तुम्हारा फॉर ब्रांच सर्किट 1 ऑफ 11 मॉड्यूल। तो तुम्हारे एक एक स्ट्रिंग में सबसे बड़ी स्ट्रिंग में कितने मॉड्यूल हैं? 10। 10, 11 की जगह 10 भरो ऊपर। ब्रांच सर्किट 1 में कितने मॉड्यूल हैं सबसे बड़ी वाली में? 10। 10 यहां पे एडिट कर लो, 10 कर लो से। ठीक है, अब तुम्हारा सर्किट 2 में कितने मॉड्यूल हैं? 9 भरो यहां पे, यहां पे 8। इसमें क्या है तुम्हारा, जितने तुम्हारे सर्किट होंगे ना उसी हिसाब से तुम ये लिख करोगे फॉर ब्रांच सर्किट 1 2 3। ठीक है ठीक है। अब तुम्हारा ये जो आगे इधर आता है, देखो आगे की तरफ आओ, ये वैल्यू भरनी तुम्हें। इसके लिए तुम्हें पीडीएफ खोलनी, फिर से पीडीएफ में जाओ। कौन सा है? आईक्यूएटे। देखो आईक्यूएटे, देखो अपना कहां पे। अब देखो इसमें लिख रखा है आईक्यूएटे 240p। ई मतलब पोर्ट्रेट, एल मतलब लैंडस्केप। तुम्हारे मॉड्यूल कैसे लगे हुए हैं? लैंडस्केप। लैंडस्केप है ना, जाओ। और अगर लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मिक्स हो तब? तो हम मेजॉरिटी देखते हैं, मेजॉरिटी कितने हैं, पोर्ट्रेट ज्यादा हैं कि लैंडस्केप ज्यादा हैं, वो सिलेक्ट करते हैं फिर हम। अच्छा, तो मेरे लैंडस्केप। हां, अब तुम्हारा मॉड्यूल कितने सेल का मॉड्यूल है तुम्हारा, 72 सेल का या 60 सेल का मॉड्यूल है? ये कहां से पता चलेगा? हैं, ये कहां से पता चलेगा? ये लिखा रहता है वहां पे, वहां पे मॉड्यूल डाटा शीट में लिखा रहता है ये। अच्छा, देखने के इसमें तुम फिलहाल अज्यूम करके चलो, मान के चलो, मतलब फिलहाल ये तुम्हें चेक करना होगा मॉड्यूल की डाटा शीट में कि तुम्हारा 72 सेल वाला है या 60 सेल वाला। ठीक है ठीक है, अब तुम मान के चलो फिलहाल। अब तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रिंग में कितने मॉड्यूल थे? 10। प्लस तुम्हारे लैंडस्केप में मॉड्यूल है। ठीक है, अब देखो 10 में वीआरएच कितना है नीचे? 0.86 वैल्यू भर दो वहां पे, पीवी 4 पे। हां, पीछे परसेंट भी लगाओ। ठीक है, अब तुम्हारा दूसरे की स्ट्रिंग में कितने मॉड्यूल थे? 9। अब 9 के लिए देखो कितना है, 9 के लिए 1.68 और 8 के नहीं 0.76। फिर सिमिलरली 8 के लिए। ठीक है ठीक है, हो गया। अब तुम्हारा सेकंड आता है तुम्हारा आईक्यू। अब तुम वीआरएच निकालोगे जंक्शन बॉक्स से कंबाइनर के लिए। हां ठीक है, तुम्हारी सबसे बड़ी जो स्ट्रिंग थी उसमें कितने मॉड्यूल थे? 10। यहाँ पे 10 के बाद 11 है। अच्छा, यहाँ पे जो आउटपुट करंट इन्वर्टर का जो 1.21 है, तुम्हारा कौन सा इन्वर्टर उसका आउटपुट करंट लिखो वहाँ पे। ठीक है, अभी बगल में जो तुम्हारा 0.0029 है ना, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, जो तुम्हारी वायर गेज लिखे तुमने 10-8, उसके हिसाब से तुम्हारा रेजिस्टेंस है। अब यहीं पे देखो इसी में लेफ्ट, इसमें जो तुम्हारा ये वाला पेज है ना पीवी 4, जूम छोटा करना पीवी 4 में। ये देखो राइट में, यहाँ पे ऊपर की तरफ देखो राइट साइड में, ये इसे जूम करो। अब देखो 10 की वायर के लिए कितना है तुम्हारा रेजिस्टेंस? 0.0129। हाँ, ये वैल्यू भरो वहाँ पे 10 की वायर के लिए। वो है वहाँ पे, अच्छा नहीं है 0.0। अरे नहीं, एक ऊपर 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 वाले में जंक्शन बॉक्स से कंबाइनर के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ ना अभी, तो है यहाँ पे। ठीक है, अब तुम्हारी जो यहाँ पे लेंथ आएगी, लेंथ कितनी आई थी तुम्हारी जंक्शन बॉक्स से कंबाइनर के लिए, लेंथ कितनी निकाली थी तुमने? पीवी 4 में जाओ, जूम करो। कितना आया था जंक्शन बॉक्स से कंबाइनर के लिए? 61 फीट से मल्टीप्लाई कराओ वहाँ पे, 61 फीट लिखो वहाँ पे। अब इसे मल्टीप्लाई करा के वैल्यू लिखो नीचे यहाँ पे, 61 × 2 कितना हो गया?
61 इनटू 2 कितना हुआ 122 122 भरो नीचे जहां पे 110 है 122 भर दो वहां पे कहां पे यहां पे हां अच्छा अभी इनकी ये तो ऐसे ही रहेगा इसका इसका करना पड़ेगा मुझे 1.4 हां कैलकुलेटर यूज करो से 1.45 इनटू 10 14.5 ठीक है समझ गया अभी हां कैलकुलेटर की वैल्यू कर दो यहां पे तीनों की हां अबे 2.28 2.28 नीचे भी वही भरो यहां पे वी राइज बोल्ट से लिख रखा है यहां पे ना हां अब 2.28 को डिवाइड कराओ 240 से मल्टीप्लाई कराओ 100 से क्या है यार गुड़मरी 0.78 लिखा है यहां पे 0.95 ठीक है ओके नीचे नीचे यहां पे भी नीचे लाइन पे भी यहां पे हां यहां पे क्या है यार अब ये इसका भी करना पड़ेगा यस अब यहां पे क्या होगा तुम्हारा यहां पे जो तुम्हारा ऊपर से तुमने जंक्शन बॉक्स से कमाने के लिए तुमने बड़ी वाली स्ट्रिंग में कितने मॉड्यूल थे वो लिए थे यहां पे तुमने ठीक है हां अब यहां पे तुम्हारा वो आ जाएगा पूरे टोटल मॉड्यूल आ जाएंगे तुम्हारे कितने अच्छा 27 और ये आउटपुट करंट इन्वर्टर का 27 के लिए देखना पड़ेगा नहीं जो नहीं। मैंने इलेक्ट्रिकल में लिया था मैंने 8 10 का नहीं 8 का 8 का 8 का लिया था हाँ आईक्यू कंबाइनर से एसी डिस्कनेक्ट के लिए कितने की वैल्यू थी 8 की थी ना हाँ वो 8 के लिए रेजिस्टेंस ये हो गया अब यहाँ पे आउटपुट करंट भरो इन्वर्टर का अब यहाँ पे ना हाँ और यहाँ पे वो आए गए ये क्या था कंबाइनर टू एसी डिस्कनेक्ट की डिस्टेंस 5 मीटर है इंटू 2 ठीक है इंटू 2 क्या है हाँ वो दो से मल्टीप्लाई कराते हैं टू वे वायर रहती ना इनकी अच्छा वैल्यू मल्टीप्लाई करा के कैलकुलेट करो वैल्यू कितनी मैं समझ रहा हूँ इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखनी इसकी यहाँ पे लिखनी इसकी यहाँ पे लिखनी फिर ये जो आया यहाँ पे फिर ये या ये फिर इसमें समझते हैं इसमें इसमें भी वैसे ही तो करना है वोल्टेज एसी डिस्कनेक्ट से एमएसपी के बीच हाँ कुछ अलग तो नहीं होता इसमें इसमें कुछ नहीं करना जो तुम सबसे लास्ट में जो तुम सारी वैल्यू निकाल दोगे ना हाँ तो तुम्हें जो नीचे रखो टोटल सिस्टम वोल्टेज आएगा इसमें तुम्हारा सबसे ऊपर वाला आएगा मतलब तुमने क्यू केबल से जंक्शन बॉक्स से कितना लिया था सबसे ऊपर देखो 0.95 नहीं 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 ऊपर 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 जो तुमने वो लिया स्ट्रिंग के लिए बड़ी वाली स्ट्रिंग के लिए कितना लिया था तुमने क्या लिया था 0.86 ऊपर देखो ना हाँ ये 0.86 आएगा वहाँ पे सबसे बड़ी वाली स्ट्रिंग का अब इसके साथ तुम ये मल्टीप्लाई करो अरे तुमने वैल्यू तुमने कैलकुलेट नहीं करेगा ऊपर अभी ना तो वो वैल्यू फिर नीचे आएगा तुम्हारा यहाँ पे ये वाला हाँ 0.95 मैं समझ रहा हूँ फिर बाकियों में वो वाले आएंगे नीचे वाले फिर जो टोटल वैल्यू आएगी वो तुम्हारी यहाँ पे लिख दोगे तुम आगे प्लस करके हाँ जो भी आया उसका क्या करना फिर अब तुम्हें क्या करना है अब तुम्हें जो तुमने वैल्यू लिखी ना यहाँ पे अब जाओ पीवी4 पे जाओ ये जो वोल्टेज ड्रॉप वाला है सबसे पहला एरे टू जंक्शन बॉक्स के लिए कितना लिया था तुमने जाओ जरा पीवी4 में जाओ एरे टू जंक्शन बॉक्स 0.95 नहीं नहीं ऊपर वाला ऊपर वाला अच्छा ये एरे टू जंक्शन बॉक्स के लिए हाँ सबसे बड़ी वाली स्ट्रिंग का देखेंगे इसमें अच्छा 0.86 ये वैल्यू यहाँ पे भाई ये तो जब तक इनकी प्रैक्टिस नहीं की तो नहीं आएंगे अब जंक्शन बॉक्स टू कंबाइनर कितना भरा था तुमने कैलकुलेट करके 0.95 आया था नीचे ये देखो हाँ ये वैल्यू भर दो वहाँ पे क्या रामायण है यार ये कंबाइनर सिमिलरली वही वैल्यू भर देना है तो कंबाइनर के लिए एसी डिस्कनेक्ट वो जो यहाँ पे आएगा हाँ ठीक है अब इसमें देखो एक और चीज करनी होती है इसमें हमें ये लेफ्ट की तरफ आओ नहीं नहीं उसमें पीवी4 में ये जो यहाँ पे सबसे पहले मॉड्यूल डिटेल भरनी होती है ऊपर ये सोलर मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन मॉड्यूल की आईएमपी वीएमपी जो भी है यहाँ पे इन्वर्टर की डिटेल फिर यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर जो सोलर रेफरेंस टेम्परेचर निकालते हैं वो वैल्यू भरनी होती है यहाँ पे बस यही है बस इतना ही था वोल्टेज ड्रॉप हाँ वोल्टेज ड्रॉप में यही करना है बस ये क्या है ये कुछ कह रहे थे वोल्टेज ड्रॉप फेल हो रहा है क्या होता है वो हाँ वोल्टेज ड्रॉप फेल हो रहा है मतलब क्या होता है जो तुम्हारी जो वोल्टेज ड्रॉप जो तुम करोगे ना उसकी अगर तुम्हारी वैल्यू 2% से ऊपर आएगी जो नीचे हम टोटल जो वैल्यू निकालते हैं ना फोरे में फोरे पे जाओ फोरे में एक बार जाओ जरा फोरे में एक मिनट है हाँ देखो यहाँ पे क्या होता है जो तुम्हारा टोटल जो तुम्हें नीचे कैलकुलेट करना प्लस करे सबको यहाँ पे तुम्हारा 1.54 है मान लो अगर तुम्हारा 2% या 2% से ऊपर आएगा तो तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप फेल हो जाएगा उसमें यहाँ पे लिख देता हूँ मतलब वो तुम्हारा एक्सीड कर जाएगा 2% से वो इतना ध्यान रखना है तुम्हारा वीरा जाएगा ना 2% से ऊपर जाना चाहिए अगर 2% से ऊपर आ रहा है तो तुम उसके लिए कंफर्मेशन डालोगे तुम पहले पूछोगे किसी सीनियर से कि 2% से ऊपर आ रहा है क्या करना है इसमें इफ दिस वैल्यू इज एक्सीड बाय 2% ज्यादा के लिए क्या बोलते हैं एक्सीड 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 मेरे को नहीं आता ओवर लिख दो हाँ ओवर लिख दो या मतलब ग्रेटर लिख दो ग्रेटर देन इफ देयर इज दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 2% 2% तब हम उस केस में हम किसी सीनियर से पूछेंगे या हम क्लाइंट को बताएंगे भाई तुम्हारी ये वीरा ज्यादा 2% से ऊपर आ रही है देन वी कॉल क्लाइंट हां तब हम मतलब कि पहले अपने सीनियर से ये था फॉर डी रेट ना फॉर डी रेट कैलकुलेशन क्या चीज वोल्टेज राइज फॉर वोल्टेज राइज राइज अरे ये जो वोल्टेज राइज वाला ये जो रफड़ा है ना ये खाली इसी में है माइक्रो इन्वर्टर